हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई व्लॉग वीडियो में। और जैसा आपको पता है, 2.5 महीने से लगभग मैं घर में हूँ और अब मेरा वक्त हो गया है वापस दुबई लौटने का। तो आज बच्चों को ले आए थे थोड़ा घुमाने के लिए, लेकिन टाइम लेट हो गया तो कहीं जा नहीं पाए। मुझे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। आप मेरे पीछे देखेंगे कि वो जो कोयला है, जहाँ से खुदाई होती मिट्टी, जहाँ कोयले निकलते हैं, तो जहाँ मिट्टी खुदाई होती है तो वो मिट्टी यहाँ ला के भरते हैं। वहाँ से ला ला के गाड़ी, पीछे गाड़ी लगी हुई, मैंने आपको दिखाया था कि पीछे वो गाड़ी आके पलटती जाती है और इधर इधर भरते, उधर खुदाई होती है, फिर कहीं दूसरी जगह खुदाई करेंगे उसको भरेंगे। इस तरह से प्रोसेस शुरू होता है। और आपको पीछे मैंने दिखाया था कि जिस तरह से मैं आप, वैसे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया, मुझे सोचा कि सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ कि कैसे कोयला को लाया जाता है बहुत लगभग 300 फीट खाई के नीचे से, और उसके बाद फिर गाड़ी के जरिए उसको नीचे ज़मीन में डाला जाता है। जो चट्टाने होती है उसको तोड़ा जाता है, उस चट्टान को तोड़ने के बाद फिर वो फीते के जरिए एक घर में फिल होती है, और जिसके नीचे ट्रेन खड़ी होती है, उसको दरवाज़ा खोल के ट्रेन के हर हर डब्बों में भरा जाता है। तो खैर, मैं पूरी प्रोसेस नहीं दिखा पाया इसकी वजह से, चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका था और अंधेरा होने वाला है इस टाइम, बिल्कुल सूरज डूब चुका है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं दिखा सकता हूँ और कहीं घूम फिर भी नहीं पाया। बहुत जल्दी टाइम मेरा पूरा हो गया 2 महीने का, और अब मुझे वापस दुबई लौट रहा हूँ। मुझे बहुत, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत सैड हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लगता कि और कुछ दिन रहते। तो खैर कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता इंसान का। चलिए तो आज देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूम पाता हूँ। यही वो एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कोयले की कान जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये रास्ता नीचे जा रहा है, इस नीचे यहाँ से जाके यहाँ हैवा और बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, वो लेकर नीचे से खाई से यहाँ पे कोयला लेकर आती है। और ये फीते के ज़रिए से जो दिख रहा है, ये फीते के ज़रिए से होते हुए वहाँ पर एक घर बना हुआ है बहुत बड़ा, बहुत दूर में, वहाँ देखो वहाँ दिख रहा हो गोल घर, ये कोयला वहाँ तक जाता है, वहाँ जाकर उसमें एक बहुत बड़ा एरिया है, स्पेस है, उसमें भर जाता है। और सामने जो दिख रहा है ये पेट्रोल टंकी है, पूरा पर्सनल पेट्रोल टंकी, जो पेट्रोल ठीक किया जाता है, तो मैं हज़ारों कई हज़ार लीटर पेट्रोल में डीजल लटता है उसमें, तो ये पूरा प्रोसेस सिंपल है। लेकिन यहाँ पे इतनी काली काली धूल मिट्टी उड़ रही है जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ नहीं दे पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा। सामने ऊंचाई पे पहाड़ी सा एरिया लग रहा है, गाड़ी दिख रही होगी, ये गाड़ी 300 फीट खाई से नीचे से मिट्टी निकाल कर लाती है जहाँ कोयले के लिए खुदाई होती है, और वो मिट्टी निकाल कर ला के यहाँ पे भराई का काम करता है। पारी पारी से ऐसे गाड़ी आते रहते हैं, इनको भरते रहते हैं। बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा जूम करके ऐसे ही दिखा रहा हूँ, मैं सही से वीडियो नहीं बना पाया मैं, इसलिए वो सॉरी। और आप देखेंगे कितना बहुत ही बड़ा, बहुत हैवी गाड़ी होती है ये। और अभी इस वक्त हूँ मैं देसी सवाद महागामा के एक रेस्टोरेंट में, जो अभी नया ही ओपन हुआ है, और मैं यहाँ पे आया था। मैंने थोड़ा सा देखा कि बच्चे बच्चे आए, मैंने कहा ले चलूँ वहाँ पे, ले गया, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं किया,
क्योंकि हम घर से ही खा के गए हुए थे, तो सिर्फ मैंने वहाँ पर चिकन फ्राई ली, वो भी तंदूरी चिकन, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा बासी टाइप का, और उसको गर्म करके दे दिया गया। और आइसक्रीम भी लिया था वहाँ पर, मैंने आइसक्रीम थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन मैं चिकन के लिए रिव्यू बहुत अच्छा नहीं दे पाऊँगा। मैंने बहुत ज़्यादा खाने का ऑर्डर भी इसलिए नहीं किया, पता नहीं यहाँ पे कैसा बनाया होगा नहीं बनाया होगा, कहीं मैं दिल्ली डेली में या कहीं और दुबई में अगर रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहाँ मुझे सोचना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ के लिए सोचना पड़ता है, पता नहीं कैसे कारीगर है, कैसे शेफ़ हैं, सही बनाते हैं या नहीं बनाते, तो थोड़ा सा